कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नम पिछड़ा पटा दे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद करता बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुदेव
नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो, आज एक बहुत बढ़िया तिथि है। आज जो तिथि है श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन है। श्री जगन्नाथपुरी में हम सवेरे श्रवण कर रहे थे। जगन्नाथ मंदिर जब स्थापन हो गया, राजा इंद्र दुम्न ने स्थापन की। उसे रख लो बच्चा, बढ़िया। जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को स्थापन कर दिया, अभी देखा सारा दुनिया तो बोलेंगे ये मंदिर को किसने स्थापन किया। सारा दुनिया बोलेंगे श्री इंद्र दुम्न महाराज ने ही ये मंदिर को स्थापन किया। इसलिए जगत में सारा दुनिया में मेरा ही मेरा नाम। ये बच्चे जिनका है ना, ये दोनों बच्चों को अलग कर दो, नहीं तो इनको पीछे उनको पिता माता अलग ले लें। ये लड़की को अलग कर दो, इसको अलग कर दो। हरे कृष्ण। अभी सारा दुनिया क्या बोलेंगे, मंदिर को किसने स्थापन किया, बोले राजा इंद्र दुम्न। लेकिन वास्तव रूप में ये मंदिर को जो बना है किसकी वजह से, कहते मेरी पत्नी श्री गुंडीचा देवी की वजह से। राजा का पत्नी का नाम थी गुंडीचा देवी, कहते उनकी वजह से ये मंदिर स्थापन हुआ है। क्योंकि एक समय कुछ संतों लोग आए थे भ्रमण करते करते जगन्नाथपुरी में, जो राजा और रानी बड़े सत्संगी थे। अगर कोई सत्संग हो, प्रभु की कथा हो, कि राजा और रानी वहाँ पर पहुँच करके ये सत्संग सुनते थे, तो उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाई। किसका कथा सुनाई, बोले नील माधव की कथा सुनाई। बोले हम तो सारे तीर्थ में गए हैं, सब तीर्थ तो हमें बढ़िया लगा, लेकिन जब हम श्री नील माधव को दर्शन किया, इतना सुंदर स्थान जैसे श्री गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में खा रही है, बड़े सुंदर वृंदावन में जैसे जमुना नदी कलकलनाथ से बह रही है, वहाँ पर एक महानदी है, बहुत बड़ी नदी है, हैं उसमें बड़ी सुंदर पानी बह रही है, बड़े सुंदर पेड़ पौधा लता पत्ता आम के वृक्ष कटहल का वृक्ष जामुन के वृक्ष, बड़े सुंदर वहाँ पर मनोरम स्थान है। और उनकी चरण से गंगा प्रकट हुई है, हैं जब कोई लोग जाते हैं उनके चरण से ही पानी देते हैं, क्योंकि जैसे शरीर में पसीना निकलता है ना, जैसे ठाकुर के चरण से तो गंगा निकली, वहाँ पर उनका चरण से ही गंगा निकली है, उसको ही चरणामृत रूप में सबको देते हैं। बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है। अगली बार होगा तब सबको हम ले चलेंगे, हैं सबको हम दर्शन कराएंगे, बड़ा सुंदर स्थान है। तब उन्होंने ठहरे, रानी बोली महाराज जब रात को कथा सुन करके आ गए, तब रानी ने बोले महाराज आपने सुना है, वो बोल रहे थे एक नील माधव बड़ा सुंदर स्थान है, जैसे वृंदावन जैसे अपूर्व मनोरम स्थान है। कल सवेरे हम उन्हें पूछेंगे ये नील माधव कहाँ हैं, हम दोनों दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। तब पत्नी जब ये बात को बोली, राजा बोले ठीक है कल सवेरे हम उनको सवेरे पूछेंगे ये नील माधव कहाँ हैं। लेकिन ये साधु कहते रखते जोगी बहते पानी, संत तो एक जगह पर कहीं टिकते नहीं। रात को तो बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाए, लेकिन पता नहीं रात रात कहीं चले। सवेरे जब उठे संतों को ढूंढे, देखा संत मिले ही नहीं। जब संत मिले ही नहीं, फिर उनकी पत्नी को मन में और ज़्यादा उत्कंठा हो गया। आप देखना एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, जो काम आप करना चाहते हो वो काम का कोई रोक देना, उसमें ज़्यादा देना, डॉक्टर जो चीज़ तुमको खाने के लिए मना करेगा वही चीज़ ज़्यादा खाने की जगह, ये एक नियम है जीवों का है। जब उन्होंने देखा ये संत कहीं चले गए, फिर तो उन्होंने और व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने अपना चार दिशाओं में उन्होंने अपना सैनिक को भेजा। उनका अंदर में एक विद्यापति था, है विद्यापति कहते राज मंत्री ब्राह्मण घर में जन्म, बड़ी बुद्धिमान थे। उनको ऐसे लग रहा था मानो ये ठाकुर जी, ये दक्षिणा दिशा का तरफ में ये ठाकुर जी है। इसलिए बोले देखो जब तक तुम ये ठाकुर को ढूंढ करके नहीं निकाल लो, तब तक तुमको आना नहीं।
और सचमुच से उन्होंने ठाकुर को ढूंढ निकाले। और जब ढूंढ निकाले, जब राजा को ले जाने के लिए कोशिश की, राजा को ले गए तो देखा वहाँ पर ठाकुर ठाकुर कुछ है ही नहीं। आकाशवाणी हुई, बोले महाराज आपको इसी रूप में आपका दर्शन नहीं मिलेगा, आपको मैं लकड़ी रूप में, दारू ब्रह्म रूप में, समुद्र में लकड़ी का रूप में बहते बहते आऊँगा और उसी से ही मेरे ठाकुर ये स्वरूप को बनाना। फिर ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप दर्शन कर रहे हो, उसको किसने बनाया? साधारण व्यक्ति नहीं बना पाए। वो छेनी हाथुड़ा लेकर जब उसको काटने के लिए जाए ना, खोरों से तक भी लगा नहीं उसमें, ऐसे लकड़ी थे। फिर स्वयं बलदेव प्रभु, इसलिए एक एक जो लकड़ी का जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, बढ़ई। इसलिए एक बढ़ई स्वयं ठाकुर जी बढ़ई रूप में आए, बोले मैं बना दूंगा, एक काम करो, एक घर बना कर उसको अंदर में ये लकड़ी को रख दो, 21 दिन पहले ये दरवाज़ा खोलना नहीं, हाँ 21 दिन पहले दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन 14 दिन तक तो लकड़ी को काटने का खटखट आवाज़ आए, लेकिन उसका बाद में आवाज़ बंद हो गई। जो रानी थी बोले महाराज वैसे तो देखने में दुबला पतला बूढ़ा था और 14 दिन तक तो खटखट आवाज़ आए, लेकिन उसको बाद में आवाज़ नहीं आई। हो ना हो अंदर में उसका तो राम नाम सत्य नहीं हो गया। एक तो ब्राह्मण थे, अगर अगर वो शरीर छोड़ देंगे ना, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपको हैं ब्रह्म हत्या के पाप लगेगी, इसलिए जल्दी दरवाज़ा को तोड़ो। जब उन्होंने दरवाज़ा को तोड़े, तोड़ करके देखा है ना, ठाकुर जी जो देख रहे हैं ना, ठाकुर जी इसी रूप में मिले। राजा तो दुखी हो गए, लगता है बोला था 21 दिन पहले खोलना नहीं, लेकिन मैंने 14 दिन में खोल दिया, लगता है जो मोटी मोटी काम हो गई थी अभी बारीक काम था, मतलब उनका सुंदर आँख निकालना, उनका दांत निकालना, हाथ निकलना था, पैर निकलना था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको पहले ही मैंने इसको खोल दिया, मतलब मेरा अपराध हो गया। फिर राजा ने खाना पीना छोड़ करके फिर जगन्नाथ जी चरण में अनशन करना शुरू कर दिया, बोले मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, अपराध मेरी हो गई। फिर ठाकुर जी स्वप्न दिया, बोले चिंता मत करो राजा, मेरे यही असली रूप है, इसी रूप में ही मैं प्रकट होना चाहता था, मेरी इच्छा से ही दरवाज़ा खोले हो। अगर मेरे रूप देखना चाहते हो, जगन्नाथ जी कौन है, ये कृष्ण है, बलदेव प्रभु बलदेव, और बीच में इनकी सुभद्रा इनके बहनी है, हैं, इसलिए अगर मेरे रूप देखना चाहते हो, जैसे भगवान का दशा बता रहे, मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, भगवान की दशा बता रहे, अगर मेरे रूप को देखना चाहते हो सोने में बना दिया कर, सोने में बना दिया कर। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, अब कभी जगन्नाथपुरी अगर जाने का सौभाग्य होगा देखना, जब कृष्ण का जन्म तिथि होता है जगन्नाथ जी की, सोने में सब बना हुआ है, कृष्ण सुंदर कैसे मुरली बजा रहे हैं, सर्वरमय मुकुट है, जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, हैं ऐसे ही कृष्ण का रूप बनाया जाता है, बड़े सुंदर बनाया जाता है। जब रामावतार आता है, जैसे भगवान धनुष ले हुए जैसे खड़े हैं, और बलदेव प्रभु तो लक्ष्मण हैं, हैं लक्ष्मण हैं, उनका लक्ष्मण रूप में, और सुभद्रा को सीता जी के रूप में सजाया जाता है वहाँ पर, राम लक्ष्मण और सीता रूप में। जब नरसिंह अवतार आता है, अब नरसिंह का जन्म तिथि यहाँ मंदिर में कौन कौन आए थे, आए थे तो नरसिंह तिथि में, अब देखना ठाकुर जी को नरसिंह रूप में उनको पूरा सोने में नरसिंह अवतार उनको मनाया जाता है ठाकुर जी को, हैं। इसलिए जब जब ठाकुर जी का कोई तिथि आती है, ठाकुर जी को उसी वेश में ही ठाकुर जी को श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी को उसी वेश में ठाकुर जी श्रृंगार होते हैं। इसलिए अभी जो उनकी जो पत्नी का नाम थी गुंडीचा, उनकी पत्नी की वजह से ये मंदिर स्थापन किया गया, गुंडीचा मंदिर है, हैं। राजा ने सोचा दुनिया तो मेरा नाम लेगा, किसने मंदिर बनाए, बोले राजा इंद्रदुम्न, लेकिन वास्तव रूप में ये मंदिर किसके लिए बनाई गई, मेरी पत्नी की वजह से, मेरी पत्नी की वजह से ये मंदिर बनाया गया, लेकिन दुनिया तो मेरे पत्नी का नाम लेगा ही, सब तो मेरा नाम लेगा, इसलिए मैं ऐसे कुछ काम करके जाता हूँ जब तक दुनिया रहेगा मेरे पत्नी के नाम भी दुनिया में हो, सब लोगों को पता चले राजा का पत्नी का नाम क्या थी, गुंडीचा, इसलिए वो मंदिर का नाम रख दिया गुंडीचा मंदिर। और वो गुंडीचा मंदिर को मानी जाती है ये वृंदावन,
और जगन्नाथ जहाँ रहते हैं वो द्वारका है, हैं। अभी द्वारका से कृष्ण वृंदावन जाएंगे, गुंडीचा मंदिर को वृंदावन, इसलिए वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी की भाव में विभावित होकर के श्याम सुंदर बड़े दिनों में वृंदावन में आएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सुंदर निकुंज मंदिर बनाएंगे, निकुंज को हम अच्छे तरह से साफ करेंगे। हर साल क्या होता था, राजा जो मंदिर को साफ कराया करते थे वो नौकरों को देख करके ही साफ कराया करते थे, हैं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए, बोले नहीं, भगवान का मंदिर नौकर से साफ नहीं होता है, भगवान की मंदिर व राधा रानी की निकुंज हैं। राधा रानी अपना भाव से अपना सहेलियों को साथ में, अपना सखियों को साथ में ये निकुंज मंदिर को ये साफ करते हैं, हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के राजा को बोले आदेश दो। राजा से उन्होंने आदेश लिया, इस बार ये जगन्नाथ जी का जो मंदिर है आप नौकर से साफ नहीं करेंगे, मैं अपना भक्तों को साथ में ही साफ करूँगा। इसलिए कौन सा सेवा उन्होंने मांग करके लिया, बोले भगवान की मंदिर में झाड़ू लगाने का सेवा। कौन सा सेवा, झाड़ू लगाने का सेवा। लेकिन हमारे देश में झाड़ू कौन लगाते हैं, जमादारानी, मेहतरानी, जमादारानी झाड़ू लगाती है ना, राजस्थान में कौन झाड़ू लगाती है, जमादारानी। इनको साधारण रूप में इनको छोटे जाति मानी जाती है, लेकिन भक्ति जगत में है ना, भक्ति जगत में इसकी बड़ी महिमा है, हैं। जैसे आप लोगों ने मंदिर साफ किया है ना, हैं, मंदिर साफ किया है, कब जो भगवान की मंदिर साफ करते हैं ना उसका हृदय साफ हो जाता है। आप तो घिस रहे थे मंदिर को, लेकिन मंदिर को कि नहीं घिस रहे थे, किसको घिस रहे थे, अपना दिल को घिस रहे थे। क्यों, अनंत काल से हम भगवान को भूल करके संसार में आए, हमारे हृदय में धूल जम गया है, जन्म जन्मांतर का पाप रूपी धूल, अनर्थ रूपी धूल हृदय में जम गया है। अभी जिसके हृदय में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रहेगा उसका हृदय में ठाकुर जी नहीं बैठेंगे। जिसका हृदय शुद्ध होगा निर्मल होगा उसकी हृदय में ही ठाकुर का निवास होगा, हैं। नहीं तो ठाकुर जी उसका हृदय में ठाकुर जी नहीं बैठेंगे। इसलिए कहते भैया वो जो ये गंधकी क्या है, ये गंधक क्या चीज़ है, कहते ये गंधकी है, हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति की डेफिनेशन दिया, भक्ति प्रेम कहते हैं किसको, वो कहते हैं बोले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकुल्ले न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कहते उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कहते हैं किसको, यहाँ पर कहते ना भक्ति कहते हैं किसको, तो उन्होंने इसका डेफिनेशन दिया, भक्ति उसे कहते हैं जबकि आपका हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, केवल एक ही कामना हो, हम ठाकुर को कैसे खुश करें, भगवान को कैसे खुश करेंगे। क्योंकि अगर ठाकुर जी खुश हो गए ना, हैं, ठाकुर खुश हो गए तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, जैसे मुंह में भोजन देने से पूरा शरीर तुम्हारी सही रहती है, जब भगवान खुश हो जाए बस अपने आप, हम भी अपने आप संसार में, हम भी संसार में खुश रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी का जो प्रेम है, ठाकुर जी को जो प्रसन्नता करना ही, यही भक्ति है, इसको ही भक्ति कहते हैं। इसलिए इन्होंने भक्ति का उन्होंने डेफिनेशन दिया है, भक्ति के अंदर में कोई कामना वासना हृदय में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते बोले प्रभु मेरे को धन जन पुत्र परिवार, हमें ये दुनिया की किसी चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपको भक्ति चाहिए। जैसे हनुमान जी का नाम सुने हो, सुने कि नहीं, जब भगवान राम हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी वर मांगो, हनुमान जी क्या बोले, बोले प्रभु अगर मेरे को कोई वर देना चाहते हो आशीर्वाद, कहते बार बार वर मांगूं, बोले आपकी श्री चरण में हम बारम्बार एक ही प्रार्थना करते हैं, बोले क्या है, बोले प्रभु आपकी चरण में हमारी भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, प्रेम हो, आपकी चरण की हमें सेवा मिले और आपकी संतों की संग मिले। केवल उन्होंने यही बस बोले
बोले यही चीज मिले सब कुछ हो जाएगा। बोले हाँ, अगर प्रभु की भक्ति मिल गया ना, प्रेम मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम, अगर उसकी आशीर्वाद हो जाएगा ना, बस ठाकुर का जो काम हम बहुत कष्ट से भी नहीं कर सकते हो, जब उनकी आशीर्वाद हो जाए ना, वो चुटकी बजाती हो जाएगी हैं, और चुटकी बजाते ही ठाकुर का आशीर्वाद से हो जाएगा। देखो हनुमान जी को क्या नहीं मिला बता, हनुमान जी को मिला ही नहीं क्या, सब कुछ मिला भी नहीं हनुमान को। प्रभु की चरण की सेवा करते हैं और दिन भर प्रभु का नाम लेते हैं और रिद्धि सिद्धि वैभव हनुमान को सब कुछ उसको हनुमान जी को मिला हुआ है हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति में कोई अन्याय विलासिता सुनना, पर ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बोले ज्ञान कर्मादि अनावृतम मतलब क्या, कहते उसमें कर्म उसमें हाँ यहाँ पर बताया, कोई तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रश्न करते हैं, आप कहते हो भक्तों का मन में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर मंदिर हम कोशिश कर रहे हैं ना, मंदिर बनने के लिए भगवान की सुंदर मंदिर बन जाए, पर भगवान के लिए रसोई भी बनाते हैं, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे द्रौपदी का नाम सुनो, सुने नहीं द्रौपदी का नाम, सुना है द्रौपदी का नाम? जब द्रौपदी की वस्त्र हरना हो रही थी, उन्होंने भगवान को पुकारा कि नहीं, भगवान को पुकारे ना, ठाकुर जी हमें रक्षा करो, मेरे लाज बचाओ। आप लोग द्रौपदी तो भगवान को मांगे, प्रभु मेरे लाज बचाओ। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में हठात कोई विपत्ति आ गई, हठात कोई विपत्ति आ जाए, अगर हठात प्रभु कहे ठाकुर जी हमें बचाओ, हे ठाकुर जी हमें रक्षा करो, अगर किसी हठात घर में जैसे चोर चले आए, अगर तुमने भगवान से पुकारा ठाकुर जी हमें बचाओ हमें रक्षा करो, तो उसको दोष नहीं मानी जाती है, इसको दोष नहीं मानी जाती है। हठात कोई विपत्ति में पड़ करके जैसे कोई ठाकुर को बुला दोगे तो उसमें कोई दोष नहीं। कहते ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कहते ज्ञान और कर्म से ढकनी नहीं चाहिए। बोले वो कहते भाई कर्मों की कर्म भी छोड़ो, लेकिन देखो आज दिन भर मंदिर साफ किया कि नहीं, भक्त लोगों के लिए, भक्त लोग भगवान के लिए रसोई बनाते कि नहीं, बनाते हो ना, आप नौकरी चाकरी करते कि नहीं, कहते ये भी तो कर्म है, ये भी तो कर्म ही है ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते कर्म करो, कर्म के बगैर तो एक सेकंड भी हम रह नहीं सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म के बगैर एक सेकंड तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन कर्म करो, लेकिन किसके लिए करो, बोले ठाकुर जी के लिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते जत करो सी, हे अर्जुन तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, पैसा अगर कमाते हो किसके लिए पैसा कमा रहे हो, तो ठाकुर की सेवा के लिए पैसा कमा रहे हैं। रोसे अगर बना तो अभी कर्म है, बोले किसके लिए रोसे ही बना रहे, बोले ठाकुर को भोग लगेगा। जैसे आज मंदिर साफ कर रही थी, अगर घर को साफ करते हो कि क्या साफ कर रहे हो, बोले भगवान की मंदिर, अपना घर को क्या समझो, ये ठाकुर जी की मंदिर, घर दिया किसने, ठाकुर ने दिया, घर का ठाकुर का मंदिर है। अगर बच्चों को प्यार दे तो किसका बच्चे हैं, बच्चा किसने दिया, ठाकुर ने ही बच्चे दिया है। इसलिए कहते सब कुछ कर्म करो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधना, जो व्यक्ति मुझे छोड़ करके ये शरीर में मैं और मेरा भाव रख करके करने वाला मैं हूँ और भोग करने वाला मैं हूँ, ये मैं मेरा करते हुए कर्म करता है, कहते हैं अर्जुन उसका फल बंधन है। ये संसार में ही 84 लाख योनि में आते जाते रहेंगे, इसमें भटकते रहोगे, लेकिन करो, लेकिन किसके लिए करो, भगवान के लिए करो, ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए हैं। इसको कर्म नहीं कहते, इसको भक्ति कहते, इसको भक्ति कहते हैं। इसलिए बोले ज्ञान, कहते ज्ञान से दूर रहनी चाहिए, जैसे हम कथा सुन रहे हैं ये भी तो ज्ञान ही है, इसको तो ज्ञान कहते हैं ना, कहते नहीं, जो भगवान की भक्ति के लिए जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान, ये ज्ञान किसके लिए, प्रभु की प्रेम रूपी ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, जीव जो चाहता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, ये ज्ञान नहीं, ये भक्ति, जो ज्ञान भक्ति की अनुकूल में। इसलिए भक्ति की दो बेटे थे, कौन कौन थे, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के, भक्ति देवी की ये दो बेटे थे, मतलब ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये भक्ति युक्त ज्ञान, जो प्रभु के प्रेम में हमें मदद करके, तो ये ज्ञान है।
इसलिए कहते ज्ञान कर्म से ढकनी नहीं चाहिए और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तितमः, कहते अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ऐसे काम करो जो काम से भगवान प्रसन्न हो, ऐसे काम मत करो जिसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो। अनुकूलन मतलब होता है भगवान की प्रीति के लिए ही सब कुछ हमें करनी चाहिए। खाओ तो उनकी प्रीति के लिए, सो तो उनकी प्रीति के लिए, काम करो तो उनकी खुश के लिए, जियो तो उन्हीं के लिए जियो, जो कुछ करे किसके लिए करे, ठाकुर जी के लिए करो। हर कुछ हमारे जीवन में हर पल पल में हमें ये याद रहनी चाहिए हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए ही करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अगर ये सब कुछ करोगे ना फिर क्या होगा, जब शरीर छोड़ेगा तो मेरे पास में आओ, तो मेरे पास में आओगे अर्जुन, बोले जहाँ जाने से जीव को जगत में ये पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए जो करने से फिर जगत में फिर पुनर्जन्म संसार में तुम्हारी नहीं होएगा। अगर भगवान के लिए अगर सब कुछ करें तो ठाकुर जी के लिए अगर सब कुछ करोगे, इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पूरा अपना भक्त लोगों को लेकर के उन्होंने 100 घड़े लेकर गए हैं, मिट्टी के घड़े लेकर गए, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने जो झाड़ू लगाते ना सीख की झाड़ू उसको लेकर गए, लेकर के अब तो पूरी गए नहीं, कौन कौन पूरी गए, अकेले गए, गुंडीचा मंदिर मार्जन में गए होंगे, वहाँ पर एक तालाब है, तालाब है, हम लोग मंदिर मार्जन के बाद में जिस तालाब में हम जाते हैं स्नान करने के लिए, उन्होंने क्या किया लाइन करके सब भक्त लोगों को खड़े कर दिया, सबको उन्होंने लाइन करके खड़े कर दिया, खड़े करके एक व्यक्ति पानी ले रहा है, पानी ले करके दूसरे हाथ को दे रहा है दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति घड़े को तीसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति को घड़े दे रहे थे, पूरा लाइन लगी हुई थी। और कैसे हर काम में कोई संसार की बात नहीं करते थे, जैसे घड़ा एक दूसरे को दे रहे हैं, बोले कृष्णा कृष्णा ये नहीं बोलते लो, नहीं कृष्णा कृष्णा, जब दूसरे व्यक्ति तीसरे को देते बोले कृष्णा कृष्णा, जब एक दूसरे से लेते थे बोले कृष्णा कृष्णा, जितने सारे काम करते थे सबके सब भगवान की नाम को लक्ष्य करते हुए। ऐसे नहीं जब ठाकुर की सेवा करो दुनियादारी बात करते हुए ठाकुर का सेवा करो, बोले नहीं हाथों में काम करो और मुँह में ठाकुर का नाम लो, हाथों में काम और मुँह में ठाकुर जी का नाम लो हैं। इसलिए भगवान तो कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, बोले कलयुग में ज़्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर का सेवा मान कर करो और मुँह में ठाकुर जी की नाम को जप करो हैं, बात इसी से ही तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सरल उपाय दिया है, जैसे मैया यशोदा हाथ में दधि मंथन करती थी हाथ में, लेकिन मुंह में क्या करती थी, बोले गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। ठाकुर का नाम को ले लेकर के महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे और सबके सब सेवा कर रहे थे। इसलिए भक्ति जगत में झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, ध्यान देकर, जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होता है, जो जगन्नाथपुरी का जो राजा था एक समय का, उनका नाम था श्री पुरुषोत्तम जेना, क्या नाम था जोर से बोलो, पुरुषोत्तम जेना राजा का नाम था। अभी राजा अभी जवान हो गया, अभी उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे, क्योंकि राजा की बड़ी प्रताप राजा थे पुरी के राजा, एक कांची राज्य था, कांची राज्य, अभी कांची जा राजा का एक बेटी थी बड़ी सुंदरी बेटी राजकुमारी, अभी वो ढूंढ रहे थे हमारे बेटे राजा को साथ में शादी दिलाएंगे, उन्होंने तय किया। जब तय किया उनको पता चला पृथ्वी में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है ये जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है, उन्होंने कहा मेरा जो दामाद है ये रथ यात्रा करता है, मैं ये रथ यात्रा को देखने के लिए जाऊँ। अभी आया बेटी के जो पिताजी देखने के लिए आया, पिता ससुर,
मेरे दामाद कैसे ये फेस्टिवल को मनाता है। लेकिन वहाँ एक नियम था, जब जगन्नाथ जी की रथ चलती हैं सबसे पहले राजा आ करके, कभी रथ यात्रा का समय में देखना, कल से रथ यात्रा आप देख लेना टीवी में देखना, जब रथ चलने से पहले राजा स्वयं आता है और उनने के सोने की झाड़ू लेकर के जय जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री दारू भैया की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री सुदर्शन चक्र की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। अभी आप लोग कल टीवी में देखना, कल टीवी में पूरा वहाँ से ना आएगा सबके टीवी, जगन्नाथ जी रथ यात्रा आएगा ठीक। जगन्नाथ जी रथ यात्रा से पहले वहाँ पर राजा आकर के सोने की झाड़ू से, आप देखना रथ का चारों तरफ में राजा पहले झाड़ू लगाएगा, और जब तक वो झाड़ू नहीं लगाएगा ना वो तब तक ये रथ नहीं चलेगी, झाड़ू लगने के बाद ही ये रथ चलती है, उसको पहले रथ नहीं चलती है। शंकराचार्य भी आते हैं, है शंकराचार्य भी आते हैं, तब देखना यहीं बैठी बैठ कर सब आप देख पाओगे। जब उसने बेटी के पक्षे वाला आए, देखा दामाद करता है क्या, और उन्होंने आकर के देखा हजार हजार लोग वहाँ पर, और उसका जो होने वाला जो दामाद है ना वो झाड़ू लेकर के रथ को चारों तरफ में झाड़ू लगा रहा है, और चंदन का पानी को छिड़काव दे करके, इसको देख करके उसका जो ससुर लगने वाला था उसको इतने अपमान लगा, बोले क्या मेरे दामाद ये झाड़ू लगा रहे हैं, हैं झाड़ू कौन लगा, झाड़ूदार लोग झाड़ू लगाते ना, जो छोटे जाति के लोग, ये कहते ये झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर, अगर मेरे कोई परिवार के लोग देखने के लिए आए कि दामाद करता है कि हटा तो आए, अगर देखे मेरे जो दामाद वो झाड़ू लगा रहे हैं, लोग हमें क्या बोलेंगे, एक झाड़ूदार से तुमने बेटी को शादी करवाया, फिर नाक कान मेरी कट जाएगी झाड़ूदार के साथ। राजा को इतने बुरा लगा, कांची राजा को देख कर वहाँ भाग गया, बोले इसको साथ में बेटी को शादी नहीं देना मेरे को। लेकिन अभी बात चल रही थी शादी की, ज़्यादा करके लड़की वाला आता ना लड़के को पास में, लेकिन उन्होंने जा करके ना चुप हो गए और बेटी की शादी की कोई बात नहीं चला है। राजा सोचे बात बहुत दूर तक बढ़ गई थी, हैं बढ़ गई थी, ये चुप कैसे हो गई। पूरी राजा एक दूत को भेजा कांची देश में, भैया पूछ करके आओ क्या हो गया, ये चुप क्यों हो गए। लेकिन इनका जो दूत गया ना वो कांची राजा जो था, बोले भैया एक झाड़ूदार से अपना बेटी का मैं शादी नहीं दिला सकता हूँ, मैंने देखने के लिए गया रथ यात्रा, दामाद इतना बड़ा रथ यात्रा कर रहा है लेकिन झाड़ू लगा रहा था, भैया झाड़ूदार से मैं शादी नहीं दिलाऊंगा, तुम चले जाओ। वो दूत आ करके सारे बात राजा को बोल दिया। अब राजा सुन करके इतना दुखी हो गया, बोले हाँ मैं तो झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, किसकी दरबार में झाड़ू लगाता हूँ, जगन्नाथ जी के, जो जगतपति जगन्नाथ हैं जिनकी सेवा स्वयं शंकर जी जिनकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी चरणों को दिन भर लेकर के चरणों पर दबाती हैं, गणेश जिसके चरण की सेवा करते हैं, और बलदेव प्रभु साक्षात अभिन्न हैं, साक्षात बलदेव प्रभु जिनकी चरण की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब क्या, पूरा जगत का जो नाथ है ये श्री जगन्नाथ। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले हाँ इनको मैं झाड़ूदार, इनका मैं झाड़ूदार। देखा क्या हुआ, राजा को इतना क्रोध आया, बोले ठीक है जा कर जाओ कंची राज्य में बोल दो, मैं कल उसका देश पर चढ़ाव करूँगा और चढ़ाव करके उसको लड़की को जीत करके लेकर के एक झाड़ूदार से शादी दूंगा। जब ये बोल दिया और दोनों में ये हो गया, बोले अगर पूरी राजा हार जाएगा, पूरी राजा का इष्ट ये जगन्नाथ जी है और उनका जो इष्ट एक गणेश जी है, बोले अगर मैं हार जाऊँगा मेरे ठाकुर जगन्नाथ जा करके तुम्हारी जो इष्ट गणेश जी को पीछे बैठेंगे, अगर तू हार जाएगा ना तेरे जो इष्ट गणेश मेरे ठाकुर को पीछे बैठेंगे। उनके अंदर में ये हो गई शर्त हो गई। अभी पूरी राजा गया सैन्य सामग्र लेकर के, घमासान लड़ाई हुई, इतने लड़ाई हुई। पूरी राजा जितने सैनिक को मारते थे लेकिन वो जो गणेश थे ना वो साधारण गणेश नहीं थे, उनको गोद में एक देवी थी। पूरी राजा जितने सैनिक को मारे वो देवी में एक चमत्कारता थी, वो देवी
एकदम झटाझट सैनिक को प्रसव करती थी, झटाझट सैनिकों को प्रसव करती थी, और जितने मारे उतना सैनिक प्रकट हो रहे, उतना सैनिक आ रहा है, हैं? उतना सैनिक। राजा तो युद्ध करते 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 दिन भर बीत गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह से उनको मार नहीं सके। फिर उन्होंने वापस आ गए, वापस आकर कहाँ आए, जगन्नाथ जी के पास में, बलदेव के पास में। बोले प्रभु अगर मैं हार जाऊंगा ना, याद रखो आपको जा करके उसका इष्ट गणेश को पीछे बैठना पड़ेगा। और मैं क्यों युद्ध कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं तेरे लिए, मैं झाड़ू तुम्हारी दरबार पर लगा रहा था ना, और उसने मेरे को झाड़ूदार बोल कर गाली दिया, ये अपमान मेरा नहीं अपमान तेरा ही है। हाँ मैं तो झाड़ूदार हूँ, लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, तेरा मैं झाड़ूदार, जगतपति जगन्नाथ का झाड़ूदार हूँ। इसलिए अगर मैं हार गया तो मेरी हार नहीं, ये तुम्हारी हार है। अगर मैं जीत गया तो किसका जीत है, तुम्हारी जीत है। जब उन्होंने सीधा आए जगन्नाथ मंदिर में, एकदम लेट गए ठाकुर के सामने, उन्होंने लेट के बच्चों को अलग रखा था, बात नहीं सुनते। इसलिए कहते मैं अगर मैं हार गया तो, जब उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए ना, जब उनको थोड़ी सी झपकी आई, ठाकुर साक्षात जगन्नाथ जी वहाँ प्रकट हो गए। साक्षात जगन्नाथ प्रकट होकर के बोले भैया कोई राजा कोई चिंता मत करो, कल हम दोनों भाई, कौन जगन्नाथ और बलदेव, कल हम दोनों भाई तेरे पक्ष से युद्ध करने के लिए जाएंगे, कोई चिंता मत करो। सचमुच से सवेरे होने से पहले ये कृष्ण बलराम दोनों भाई उठ गए, नहा धो करके। जगन्नाथपुरी अगर कभी जाने का सौभाग्य मिलेगा, अगली बार कोशिश करना जाने के लिए, उनके एक दक्षिणी दरवाजा है, उनके चार दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। कभी दक्षिण दरवाजा में जाना आप देखोगे ये कृष्ण बलराम कौन सा रूप लेकर गए थे, एक काले घोड़े में और एक सफ़ेद घोड़े में। दोनों भैया सैनिक का रूप धारण करते हुए, दोनों भैया एकदम हाथ में धनुष बाण और तलवार लेकर के दोनों भाई कृष्ण दोनों भाई गए। जब दोनों भाई गए, अभी सवेरे सवेरे चले गए थे, जैसे बच्चे होते हैं ना, सवेरे होते ही भूख लगता है, मक्खन मिश्री मांगते हैं। कृष्ण तो सवेरे होते ही मैया से मचलते, मैया मेरे को मक्खन मिश्री दे दे। अभी किसी भक्तों को पर में कृपा करना था, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी दूर गए, एक ग्वालिनी थी जिसका नाम था मानकी, क्या नाम था मानकी, उस ग्वालिनी का नाम। इतने में दोनों भैया बोले माता जी हम दोनों भैया को भूख लग रहा है, हमको दही खिलाओगे, बड़ी सुंदर दही बेच रहे, बड़ी मीठा दही है। बंगाल गए हो नवद्वीपुर में, इधर तो जितने दही खट्टा खट्टा, लेकिन बंगाल जाओगे ना आपको खट्टा दही कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ पर सारे आपको मीठा दही मिलेगा। और वो जो दही है ना राबड़ी को फैल करने वाली, उधर का दही खाओगे ना, यहाँ का राबड़ी भी उसके सामने कुछ भी नहीं, इतने सुंदर दही उधर का। इसलिए उन्होंने बोले भूख लग रहा है थोड़ा दही पिलाओगी, तो उन्होंने कृष्ण बलराम को देख कर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के बोले मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा तो मैं किसको हम खिलाएंगे। इसलिए उन्होंने दोनों भैया को, उन्होंने एकदम दही दोनों भैया को उन्होंने पिला दी, और जितने दही थी ना दोनों भैया ने सारे दहियों को उन्होंने दोनों भैया पी लिया। बस काम आरम्भ करो, हाँ बस ना। इसलिए उन्होंने क्या जितने दही था उन्होंने सारे दही उन्होंने दोनों को पिला दी। फिर उन्होंने उनसे पैसा मांगे, उन्होंने उनको पैसा मांगे, बोले भैया दही तो पी लिया पैसा दो पैसा दो। अभी दोनों भैया तो झांकने लग गए, बोले पैसा दो, बोले पैसा तो है ही नहीं, बोले पैसा नहीं, मैं इसको ही बेच करके दो पैसा कमाता हूँ और वो पैसा से अपना संसार चलाती हूँ। फिर तुमने थोड़ी मोड़ी दही नहीं, पूरा के पूरा दही के दही पूरा तुमने मटकी खाली कर दिए, और पैसा मांगे तो झांक रहे हो, पहले सोचा नहीं पास में पकेट में पैसा है कि नहीं। तब बोले एक काम करो, श्री जगन्नाथ जी की अंगुल में एक अंगूठी थी, वो जो अंगूठी थी ना वो थी हीरे की अंगूठी थी, उन्होंने वो हीरे की अंगूठी को उन्होंने निकाले और निकाल करके बोले देखो ये अंगूठी को तुम रख लो। पीछे पूरी के राजा पीछे आ रहे हैं, उनको ये अंगूठी देना और दे करके
तुम ये बोलो ना, तुम्हारी दो सैनिक आगे गए हुए हैं और वो हमारे सब दही खा लिया, ये अंगूठे दिखाओगे ना वो पहचान जाएंगे और तुमको पैसा दे देंगे। अभी दोनों भाई चले गए और पीछे पुरी का जो राजा मंत्री सैन्य सामंत है धूल उड़ाते हुए जैसे आंधी तूफान आ रहा है, उनने पूरा पूरा धूल को उड़ाते हुए दोनों भैया आ रहे हैं। और ये जो ग्वालिनी थी वो बीच में खड़ी होकर बोले महाराज रुको, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। हैं, बोले क्या बात है? बोले आपका दो सैनिक आपसे पहले गए और मेरे सारे दही पी लिया, पैसा नहीं दिया। बोले भैया हमारे तो कोई सैनिक गए नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था भगवान गए ना, उनको तो पता नहीं, वो तो सवेरे सवेरे चले गए। बोले भैया हमारी कोई सैनिक बहन नहीं। बोले नहीं, उन्होंने प्रमाण रूप में मेरे को अंगूठे दे करके, बोले कौन सा अंगूठे दिखाओ, तो उन्होंने वो अंगूठे दिखाया, देखा हीरे को। और वो जगन्नाथ जी को राजा ने, वो जगन्नाथ जी को उन्होंने अपना हाथों से पहनाया था, हीरे का अंगूठी थी। इसको देख करके उन्होंने पहचान लिया, भैया ये अंगूठी तो साक्षात जगन्नाथ जी का, मैंने धारण कराया था। फिर उन्होंने घोड़े से उतर करके उन्होंने क्या किया, दोनों को माता जी के चरण में प्रणाम की। बोले भैया तू बड़े सौभाग्यवान हो, वो जो दो भैया गए हैं ना, वो दो भैया और कोई नहीं, ये ठाकुर स्वयं जगन्नाथ और श्री बलदेव, ये दोनों भाई गए हैं। तू कितने पुण्यवती हो, तेरे दही पी कर गए। बोले तुम यहीं खड़े होकर के तुम चारों तरफ में अपना निगाह को डालो, जितना दूर तक तुम्हारी नजर जाएगी आज से उतना दूर तक तुम रानी बनोगे। और उसका जो झोली हीरे जवाहरातों से भर दी, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं जगन्नाथ जी साक्षात रूप को दर्शन किए और तुम्हारे दही को खाए। इसलिए अभी भी उड़ीसा में वो स्थान का नाम है मानकी पाटना। क्या नाम है? वो ग्वालिनी का नाम था मानकी, इसी नाम से अभी वो स्थान का नाम है मानकी पाटना। इसलिए बोले तंबे में उसमें उन्होंने लीक करके उन्होंने, माता जी बैठो दो मिनट बैठो, चटपटे क्यों कर रहे हो, बैठो। इसलिए उन्होंने उनका नाम पर वो जगह को उन्होंने उनका नाम पर लिखवा दिया। फिर जब राजा उधर गए, उन्होंने देखा भगवान स्वयं कृष्ण बलराम घमासान युद्ध कर रहे थे, कृष्ण बलराम हैं घमासान युद्ध कर रहे थे। और उन्होंने जितने सैनिक को मारे, वो देवी की गो जो देवी उतना सैनिक को प्रसव कर रही थी, उतना सैनिक को प्रसव कर रही थी। राजा बोले जितने सैनिक माता, वो आता है कहाँ से पर? सब देखा ये गणेश जी के गोद में जो देवी बैठी हुई, कहती जो चमत्कारिता है ये देवी का ही चमत्कारिता। इतने में जगन्नाथ जी को तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने धनुष उठाए गणेश जी को, बोले गणेश जी अगर ये देवी प्रसव करना बंद नहीं करेगी ना, तो उनको हम जान से खत्म कर देंगे। जब उन्होंने धनुष को उठाया, गणेश जी डर गए। और गणेश जी डर करके उन्होंने उसका जो प्रसव का स्थान को उन्होंने सूर से बंद कर दिया, सैनिक जन्म लेना बंद हो गई। बंद हो गई तो फिर पूरी राजा ने उसको बंदी बनाया, किसको? कांची राजा को बंदी बनाया। और वहाँ से चार चीज लेकर के आए थे, कितना चीज लेकर के आए थे, क्या क्या बोलो? एक तो वो गणेश जी लाए, जगन्नाथपुरी तो तुम लोग गए नहीं, अगली बार जाएंगे तो सब दिखाएंगे। देखना जगन्नाथ जी ठीक पीछे ये गणेश बैठी हुई, उनको गोद में देवी बैठी हुई, वो देवी की ये चमत्कारिता थी। वो गणेश जी को और चैतन्य महाप्रभु जहाँ मंदिर में रहते थे, वो मंदिर का नाम था राधाकांत मंदिर, वहाँ से श्री कृष्ण का एक विग्रह श्री राधाकांत को लाए। बोले तीसरी चीज लाए मयूर सिंहासन। आपको पता होगा ब्रिटिश ने जब हमारे भारत को ऊपर राज्य तो किया था, वो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी, अरब खरब रुपया की उसमें जड़ी हुई थी हीरे जवाहरात। वो ब्रिटिश ने फिर ये सिंहासन को यहाँ से लेकर के चले गए। अब जो चौथी चीज लाए थे वहाँ से उनकी लड़की बेटी को उन्होंने लेकर के आई हैं, उन्होंने वो बेटी को लेकर के उनको लाए। इसलिए ये चार चीज को लेकर के आई। और राजा ने वो बेटी को दे दिया, किसको? वो मंत्री को दिया। बोले देख मंत्री, ये जो बेटी राजकुमारी, उसने मेरे को झाड़ूदार बताया ना, इसको किसी झाड़ूदार अच्छे झाड़ूदार से शादी करा देना। और मंत्री जी बड़ा चिंता में पड़ गया, क्यों? वो बेटी राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, राजा से शादी होने वाला, वो राजकुमारी अभी रानी बनने वाली थी,
अब इसको झाड़ूदार से कैसे शादी कराए। मंत्री बड़ा चालाक था, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले ये बेटी को छुपा कर रख दो, राजा को पता चलने मत दिया करो। एक साल के बाद में फिर जब राजा क्या करेगा, झाड़ू लगाएगा ना। जब झाड़ू लगाया फिर ये लड़की को उन्होंने बड़ी सुंदर दुल्हन बनाए, पालकी में बैठाए और गाजा बाजा को साथ में राजकुमारी को ले गए। बोले जा राजा की गले में ये बरमाला डाल दे। जब उसने बरमाला डालने के लिए गई, राजा बोले महामंत्री मैंने कहा था किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी दिलाने के लिए, तुमने क्या किया, झाड़ूदार से शादी नहीं करवाया। बोले प्रभु जगत में सबसे झाड़ूदार आप जैसे बड़े झाड़ूदार कोई है जगत में? सबसे बड़ा अभी झाड़ू लगा रहे हो ना आप, तो जगत में सबसे बढ़िया झाड़ूदार कौन आप हो? फिर तो आपसे शादी मिलना चाहिए ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए राजकुमारी ने उन राजा को गले में माला डाल दी, राजा रानी की शादी हो गई। देखो ये ठाकुर कितने दयालु, देखो जगन्नाथ बलदेव हैं कितने दयालु, जगन्नाथ बलदेव ये स्वयं अगर इनको पुकारोगे ना, ये ठाकुर इतने दयालु, पृथ्वी में इतने दयालु ठाकुर कोई है नहीं, ये जगन्नाथ बलदेव इतने दयालु। इसलिए स्वयं राज वेश में उन्होंने राजा के लिए युद्ध करने के लिए जाते हैं। अगर आप भी हृदय से पुकारोगे ना, हृदय से अगर पुकारोगे कितना करते हैं तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, अगर हृदय से इनको पुकारोगे ना ठाकुर तुम्हारी सेवा के लिए भी, ठाकुर जी तुम्हारी सेवा के लिए भी ठाकुर जी भाग भाग लेके आएंगे। ठाकुर जी बस श्री भक्त वत्सल भगवान की, बस श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर ब्रह्मानंद। देखो फिर हम लोग शाम को ये जो गुंडिता मंदिर मार्जन का बड़े रहस्य है, क्या रहस्य है? वो धूल किया, कंकड़ किया, घास किया, फिर उन्होंने पानी देकर उसको साफ किया, ये किया। और जो साफ नहीं किया ना, बोले तुमको दंड देंगे। बोले कौन सा दंड? बोले सब भक्तों को फीस देना, सब भक्तों का फीस देना। इसलिए भक्ति जगत में जो दंड भी बढ़िया है भगवान प्रसाद है। इसलिए शाम को ये सब कथा को हम अच्छे तरह से सुनेंगे, इसलिए शाम को सब जैसे आना ठीक है। अभी ये यज्ञ होगी, यज्ञ में सब लोग आहुति देना, इसको बाद में भगवान की प्रसाद भोग लगेगा और सबके सब प्रसाद लेकर के जाइए ठीक है। अब सबके तो सब यज्ञ के लिए यज्ञ में बैठ जाना। हरे कृष्णा। रोहिणी तुमको बुलाया, तुम आया नहीं, क्या कर रहा था? खिचड़ी साफ कर रहा था। हाँ अगर अगर आज रुक जाना शाम को, कल चले जाना। हाँ बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम्हारी जो लता, तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं ना उनको बुला दो, यहाँ आकर बैठ जाओ, जो तुम्हारी परिवार बुला दो। कौन कौन है? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे कृष्णा, जो सभी लाइव देख रहे हैं सभी भक्तगण, शाम को फिर लाइव होएगा। जो अभी गुंडीचा मंदिर मार्जन की जो हरी कथा है, कुछ अभी सुनाई है गुरुदेव ने जगन्नाथ जी की, कुछ शाम को सुनाएंगे। तो आप सब लोग दोबारा फिर देखने आइएगा शाम को। हरे कृष्णा।